जब ये जूम ट्रेंड हुआ था आरबी सेंट्रल कॉलेज में, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसा बहुत सारे जो डॉग मास्टर है आरबी सेंट्रल कॉलेज में, डीटीएफ में एक टीम का हिस्सेदारी है, हमें हमेशा काम करते हैं, तो ये टीम के द्वारा ही हमने जूम को और एक्सेल को ट्रेंड किया था। तो किस तरह के डॉग्स थे जूम और एक्सेल? एक्सेल और जूम सभी डॉगों में से बहुत ही बेहतर, जिसको बोलते हैं बेहतरीन डॉग थे, और ये डॉग्स बहुत ही फुर्तीले, जोशीले और बहादुर थे। हमेशा हर काम के लिए ये लोग तैनात रहते हैं, मास्टर के साथ कोई भी काम होता है अपने तरीके से वो पूरा करने का कोशिश करता है। सर, आज जिस तरह अपना कर्तव्य निभाते हुए जूम जो है इस दुनिया में नहीं रहे, आपने श्रद्धांजलि भी दी, क्या कहेंगे जो श्रद्धांजलि आज आपने दी है जूम को? एक्चुअली इंडियन आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स होता है, इन सोल्जरों को इनके बलिदान के ऊपर श्रद्धांजलि तो हम लोग बहुत ही आसानी से दे देते, लेकिन दिल में पत्थर रख के ये श्रद्धांजलि दिया जाता है, क्योंकि जूम और एक्सेल जैसा डॉग हमारे को दोबारा नहीं मिलेगा। कारण ये लोग जो बहादुर और बहादुरीता के साथ काम किया था, इंडियन आर्मी में एक रोशन किया इनके नाम, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये श्रद्धांजलि देते हुए मेरे दिल में बहुत ही दुख महसूस कर रहा था मैं, और आशा करता हूँ कि हमारे जैसे ट्रेनर और भी जूम एक्सेल जैसा डॉग को ट्रेंड करे और अपने दुश्मनों को उसके जवाबी हमला में आगे बढ़े। ये कौन सी नस्ल है और कितने कारगर होते हैं एंटी टेररिस्ट? एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अंदर ये जो अपने ब्रीड्स है जो कि GSD से अलग होते हैं, इसको कहा जाता है BSD, बेल्जियम शेपर्ड डॉग। इन बेल्जियम शेपर्ड डॉग को हम लोग बेल्जियम मलिनोइस के नाम से भी जानते हैं, दुनिया में हर कोई जानता है ये जो बेल्जियम मलिनोइस ब्रीड होता है, ये बहुत ही फुर्तीला, जोशीला और बहादुर होते हैं, जिनका बाइट फोर्स बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और अपने दांतों तले किसी भी उग्रवादी, आतंकवादी या कोई भी टेररिस्ट को अगर पकड़ता है तो धराशायी करते हुए ये अपने काम को अंजाम देते हैं। तो आज आपने यहाँ श्रद्धांजलि दी जूम को, कहीं दुख भी था लेकिन एक प्राउड भी था कि वो एक, उसने दो टेररिस्ट को मारने में कामयाबी भी हासिल की। श्रद्धांजलि देते हुए दिल में तो दुख तो हो ही रहा था, लेकिन खुशी इस बात का भी है इंडियन आर्मी के अंदर ये लोग अपना सर्विस करते हुए, अपने काम करते हुए पूरे जोश के साथ अपना काम को अंजाम दिया, और देश के विरुद्ध ऐसा कोई भी उग्रवादी या टेररिस्ट अटैक होगा उसके अंदर हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे जूम एक्सेल जैसे डॉगों के साथ आगे काम करने के लिए।